कबीर खाड़ ही छाड़ी के काकर चुनी चुनी खाए, रतन गवाया रेत में फिर पाछे पछताए। कबीर साहब कहते हैं कि लोग खाड़ शकर को छोड़कर चुन चुन करके कंकड़ खाते हैं, रत्न को धूल में डाल दिए और फिर बाद में पश्चाताप करते हैं। यहाँ खाड़ शकर है, सद्गुण सदाचार संयम सेवा भक्ति परोपकार ज्ञान, कंकड़ है दुर्गुण दुराचार दुर्वसन विषय विकार लड़ाई झगड़ा राग द्वेष, आदमी का मन जितना विषय विकार की तरफ बहता है उसका आधा तिहाई का दसवां हिस्सा भी सद्गुण सदाचार की तरफ नहीं लगता है। ज्ञान रूपी रत्न को अपने आत्मा के भाव को तो रेत में डाल दिए, व्यर्थ के कामों में समय को बर्बाद कर दिए। अब बाद में पश्चाताप करते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा दुख आ गया तो वैसा दुख आ गया, तो बाद में पश्चाताप करने से क्या फायदा होगा। पहले ही से सावधान जो लोग रहते हैं उनका मन आश्वस्त रहता है, उन्हें पछताना नहीं पड़ता। पप्पा सो परिचय नहीं, दद्दा रही गौ दूर, लल्ला लव लागी रहे नन्ना सदा हजूर। पप्पा, पापा के अर्थ है पिता, पिता से तो परिचय नहीं है और जो दादा है वो तो बहुत दूर रह गया है। लल्ला पुत्र, पुत्र के प्रति मन, उसके प्रति मोह हमेशा बना हुआ है। और नन्ना नाती सिर पर सवार रहता है। यहाँ पप्पा से तात्पर्य है परोपकार, परमार्थ का काम, संयम साधना का काम, पुण्य कर्म, इसे परिचय नहीं है। सेवा साधना परोपकार परमार्थ आदमी जानता ही नहीं है। दादा दद्दा रही गौ दूर, इनका जो परिचय देने वाले हैं ज्ञानदाता संत गुरुजन, उससे आदमी दूर दूर रहता है। संतों के निकट जा करके ज्ञान की चर्चा नहीं सुनता है। सदैव दूर बना रहता है। लल्ला लाव लागी रहे, जैसे पुत्र के प्रति मोह बना रहता है ऐसे यहाँ लल्ला है दुनवी प्राणी पदार्थों भोग आदि का लोभ मोह, मन में हमेशा लोभ,
देखने सुनने खाने पीने की तृष्णा, ये मिल जाए वो मिल जाए, ये तमाम इच्छाएं, जो कुछ मिला है वो भी और कितना बढ़ता जाए, ये भावना। तो ये लोभ मोह में मन लगा हुआ है, इसलिए नन्ना सदा हजूर, नन्ना अभाव की खटक, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, सब समय अभाव, अतृप्ति, असंतोष, जिसका मन लोभ मोह में डूबा रहेगा उसके मन में क्या रहेगी? अभाव, खटक, असंतोष, असंतोष जीवन की हार है। असंतोषी आदमी कभी सुख से जी नहीं सकता है। सुख से वही जिया है जो संतुष्ट रहा है। जितना संभव हो परिश्रम करें और जो मिले उसमें प्रसन्न रहे, फिर दुख कहाँ रहेगा। जो ही कुरंग जब चित मिले, रहे शब्द लौलाए, भैंस के आगे बीन जो वह बैठी पगराए। जैसे मृग शब्दों का प्रेमी होता है, ऐसे ही कोई निर्णय वचनों का प्रेमी मिलता है, तब संत प्रसन्न होकर के ज्ञान के शब्दों को कहता है और उसमें फिर अपना मन लगाता है। तो यहाँ तो ऐसा ही है कि जो ही कुरंग सब जब चित मिले, रहे शब्द लौलाए, जैसे मृग शब्द सुनता है, किसी वाद्य यंत्र की आवाज़ सुनता है, एकदम चित लगा कर उसमें सुनता है और उसमें फंस जाता है, मारा भी जाता है। ऐसे ही आदमी को चाहिए कि वह निर्णय के शब्दों में अपने मन को सब तरफ से समेट करके लगाए रखे, प्रसन्नता पूर्वक निर्णय शब्दों का प्रेमी हो और उसी में मन को लगा करके रखे, तो उसका काम बन जाएगा। और निर्णय शब्द प्रेमी आदमी को कहने में मन भी लगता है। भैंस के आगे बीन जो वह बैठी पगुराए, जो मूढ़ मनुष्य है निर्णय को सुनना ही नहीं चाहता, उसके आगे ज्ञान कथन करना, निर्णय शब्द को बताना, तो वैसे ही बेकार है जैसे भैंस के आगे बीन बजाओ और वो बैठी पगुराती रहती है, कोई मतलब ही नहीं होता है। ऐसे ही होते हैं मूढ़ लोग, कुछ निर्णय की बात बताओ तो उनके सामने समय बर्बाद करना है, उनका कोई मूल्य वो नहीं समझते। वक्ता ज्ञानी जगत में पंडित कवि अनंत, सत्य पदार्थ पारखी बिरला कोई सन। संसार में वक्ता बहुत मिलेंगे, ज्ञानी बहुत मिलेंगे, पंडित और कवि अनंत आपको असंख्य मिलेंगे। वक्ता, ज्ञानी, कवि, पंडित, इनकी कमी नहीं है दुनिया में,
हर आदमी तो वक्ता है, अपने को ज्ञानी पंडित समझता ही है। सत्य पदार्थ पारखी, लेकिन सत्य पदार्थ का जो पारखी है, सत्य वस्तु, सब तरफ से फटक पछोड़ करके सांप झाड़ कर सत्य को ले लेने वाला, ऐसा कोई बिरला होता है। क्या कहते, बिरला कोई संत, कोई बिरले संत सब तरफ से फटक पछोड़ कर सत्य को लेते हैं। ज्ञान जीव को धर्म है, भ्रम तास जो मेट, साच पंथ पावे परख, जपती सतगुरु भेट। ज्ञान जीव का धर्म है, जीव का स्वभाव, उसका गुण ही है। जीव कहीं भी रहे, किसी भी खाने में रहे, ज्ञान गुण संपन्न ही रहता है, ज्ञान गुण को लेकर ही रहता है। किसी खाने में उसका ज्ञान गुण लुप्त नहीं होता, कम ज़्यादा प्रकट होता है, वो बात अलग है। भ्रम तास जो मेट, ऐसा जानकर कि मेरा स्वरूप, मेरा धर्म ज्ञान है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। भ्रम जनित जितनी भी पीड़ा है वो सबका त्याग दो। भ्रम अज्ञान के कारण होता, ना समझने के कारण होता है। सही अपने स्वरूप को समझ लें, सही बोध कर लें, तो भ्रम कहीं है ही नहीं। अपने स्वरूप को न जानने के कारण से ही जीव भ्रम में डूबा रहता है, और जितना भ्रम में डूबा रहता है उतना दुख कष्ट उठाता है। जिसके मन में कोई भ्रम नहीं है उसके लिए कोई कष्ट ही नहीं है, बाहर कोई दुख ही नहीं है। शारीरिक रोग व्याधि तो किसी को के शरीर में हो सकती है, लेकिन शारीरिक रोग व्याधि से लोग उतने पीड़ित नहीं हैं जितने मन की पीड़ा से पीड़ित हैं। और मन पीड़ा भ्रम के कारण, भ्रम खत्म तो मानसिक कष्ट से, मानसिक त्रास से आदमी मुक्त। साँच पंथ पावे परख, जब ती सदगुरु भेंट। जब किसी आदमी को सदगुरु से मुलाकात हो जाती है तब वह परख करके सत्य पंथ को प्राप्त कर लेता है। हीरा पड़ा जो गैल में, दुनिया जामी डोल, तहाँ हीरा का पारखी, जहाँ हीरा का पारखी तहाँ हीरा का मोल। जिसमें दुनिया के लोग आते जाते हैं उसी रास्ते में हीरा पड़ा हुआ है, लेकिन लोग उसको परख नहीं पा रहे हैं, इसलिए कोई उसे उठाकर अपने पास रखता नहीं है। हाँ, लेकिन जहाँ हीरों का पारखी होता है वह हीरे का मूल्य करता है। यहाँ हीरा सत्य ज्ञान है, सत्य पदार्थ है, और यहाँ हीरा है ज्ञानी विवेक वैराग्यवान संत। दुनिया में रहते हैं लेकिन दुनिया के लोग विवेक वैराग्यवान संत का मूल्य समझते नहीं, सोचते ये भी आदमी, हम भी आदमी, ये भी खाते कमाते हैं, हम भी खाते कमाते हैं, हमारे जैसे ये भी रहते हैं, हमें हमारे बीच ही रहते हैं। लेकिन जो जिज्ञासु होते हैं, कलाने इच्छुक, वे उसको परख लेते हैं और उनके ज्ञान से अपना लाभ ले लेते हैं। अंधे अवघट जात है, चारों लोचन नाय, संत उपकारी ना मिला,
छोड़े बस्ती माए। कोई अंधा है, बाहर से भी अंधा है भीतर से भी अंधा, विवेक विचारहीन है। जिस रास्ते में वो जा रहा है वह अवघट है, कुमार्ग है, खाई खंदक कीचड़ पानी से भरा हुआ है। ऐसा कोई उपकारी नहीं मिलता है उसे जो उसकी बांह पकड़कर उसे किसी बस्ती में लाकर के छोड़ दे। ये तो उदाहरण है। मनुष्य मानो चारों नेत्रों से अंधा हो गया है, बाहर के नेत्रों से दुनिया में जो घटना घट रही है उनको देख करके शिक्षा नहीं लेता है, विवेक विचार भी नहीं करते। जैसे पहले के लोग चले गए वैसे हम भी चले जाएंगे। देखते हैं जो भी दुर्गुणी दुराचारी है कैसे कष्ट उठाते हैं, कैसे भय में जीवन जीते हैं, लेकिन फिर भी आदमी गलत रास्ता को छोड़ता नहीं है। अब विचार भी नहीं करता कि गलत काम का परिणाम गलत ही होगा, वो अवघट में जाता है, अवघट गलत रास्ते में जाता है, कुपंथ में ही जाता है। उस वही काम बार बार करता है, उसी रास्ते में बार बार चलता है जिस काम और जिस रास्ते का परिणाम आज तक दुख ही भोगते आया है। लेकिन अंधा है, विवेकहीन, तो करे क्या। संत उपकारी ना मिला, ऐसे कोई उपकारी संत उन्हें नहीं मिले जो उनकी बांह पकड़कर उसे उन्हें समझा बुझा करके छोड़े बस्ती माए, बस्ती में छोड़ दें, सत्संग में ला करके जहाँ ज्ञान चर्चा होती है वहाँ ला करके उसे छोड़ दें। जब लगी लाल समुद्र में तब लगी लख्यो न जाए, निकस लाल बाहरी भया महंगे मूल बिकाए। जब तक लाल रत्न समुद्र में पड़ा रहता है तब तक वो देखने में नहीं आता। जब कोई गोताखोर मरजीवा उसे समुद्र से निकाल करके बाहर लाकर रख देता है तब बहुत महंगे मूल्य में वह बिकता है। जीव ज्ञान स्वरूप, कल्याण रूप, लेकिन विषय विकार में ढका हुआ है। देहाध्यास में डूबा हुआ है, इसलिए जीव का मूल्य समझ में नहीं आता है, लोग उसे परखते नहीं हैं। निकस लाल बाहर भया, जब वो विषय विकार से अपने को छुड़ा लिया, देहाध्यास का त्याग कर दिया, विवेक वैराग्य में रमने लगा, ज्ञान पूर्वक जीवन जीने लगा, महंगे मूल बिकाए, तब वो महंगे मूल बिकता है। अंदर से तो आत्मतृप्त रहता ही है, बाहर भी लोग उसका सम्मान करते हैं। बाहर लोग को सम्मान करे या ना करे, सबसे पहली बात है आत्म प्रतिष्ठा होना। यदि आत्म प्रतिष्ठा नहीं है तो बाहर की लोक प्रतिष्ठा काम नहीं करेगी। वैसे जिन्होंने विषय विकारों का त्याग कर दिया, उज्ज्वल चरित्र जिनका है, अंदर संतुष्ट तृप्त, और ऐसे पुरुष के बाहर भी प्रतिष्ठा होती है। लेकिन देहाध्यास में डूबा हुआ है जीव, बस कौड़ी के भाव बिक रहा है, जगह जगह अपने को समर्पित कर रहा है। जीव
की महत्ता समझने में नहीं आती है। लोग कहते हैं अरे जीव तो ये मनुष्य तो तुच्छ है, क्या कर सकेगा, इसमें शक्ति ही क्या है, ना अल्पज्ञ, भगवान सब कुछ के करने वाला है। लेकिन चाहे अल्पज्ञ कहो चाहे सर्वज्ञ कहो, जीव ही सर्वोपरि सत्ता है। उसे अपने आप को समझने की आवश्यकता है, समझकर विषय विकार से निकालने की आवश्यकता है। साधु परखिए शब्द में रहनी तैसी भास, नाना विधि के पूप हैं फूले तैसी बास। सदगुरु कहते हैं कि साधु को उसके शब्दों से, बोली से, रहनी से परखो। साधु के वेश तो बहुत लोग पहनते हैं, जैसे विविध रंग के फूल, छोटे बड़े रूप रंग आकार के फूल हैं, तो उन फूलों के खिलने पर उनकी सुगंध से उनकी परख होती है। फूल विभिन्न रंग के हैं, विभिन्न आकार प्रकार के, तो किसमें सुगंध है किसमें सुगंध नहीं है पता नहीं चलता। जब फूल खिल जाते हैं तब उसके सुगंध से पता चलता है कि हाँ किस फूल का कैसे क्या महत्व है। साहब कहते हैं ऐसे ही साधु का वेद भी अनेक प्रकार से लोग बनाते हैं। कोई लाल पहनता है, कोई पीला पहनता है, कोई काला पहनता है, कोई सफेद पहनता है, अनेक प्रकार के साधु हैं। उनमें उनके जो निर्णय शब्द हैं, जीवन की रहनी है, उसके अनुसार से उनकी परख करो। सहज आदर सबका, लेकिन विशेष महत्व जो यथार्थ निर्णय ये कहने वाले हैं और आचरण संपन्न है उनका ही विशेष आदर है। कथनी को अंग, कथनी कथे तो क्या हुआ, करनी न ठहराए, काल भूत का कोट ज्यों देखत ही ढही जाए। केवल ज्ञान की कथा कोई करता है साहब तो उससे क्या हो गया, यदि वो करनी में ठहरता नहीं है तो। जैसे कागज का कोई किला बनाए तो कब तक टिकेगा वह, देखते देखते ही ढह जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कागज की किला में रह करके किसी की सुरक्षा नहीं हो सकती है। कागज किला में रह करके कोई चैन की नींद सो नहीं सकता। इसी प्रकार साहब कहते हैं केवल कथनी कह ज्ञान की कथा कर कह करके, करने के बिना किसी का मन संतुष्ट नहीं हो सकता, जीवन में चमक नहीं आ सकती। खाली कथनी तो कागज का किला है। कथनी करने से विषय विकार से हमारी रक्षा नहीं हो सकती, करनी जब करेंगे तब उसे रक्षा होगी। कथनी केवल कथनी करने वाला आदमी का पतन हो जाता है। कथनी काची होए गई, करनी करी न सार, श्रोता भक्ता मरी गया, मूर्ख अनंत अपार। यदि ज्ञान के अनुसार आचरण नहीं बनाया गया तो कथन ज्ञान का कथन करना कच्चा ही रह गया। और ज्ञान की कथा कहते सुनते
अनंत अपार, असंख्य अपार मूर्ख अपने मन इंद्रियों की धारा में बह बह करके पच पच करके मर गए। हम कह लेते हैं, सुन लेते हैं और मान लेते हैं कि बहुत बड़ा हमने लाभ कमा लिया। कहना और सुनना हमारा फैशन बन जाता है, हम इसी दिखावा में पड़ते हैं कि हम ज्ञान की बहुत बढ़िया कथा कहते हैं और हम ज्ञान की चर्चा सुनते हैं। लेकिन सद्गुरु कहते हैं कि तुम्हारे ये ज्ञान कथन और ज्ञान श्रवण करने के बिना कच्चा का कच्चा रह जाता है, उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। इसमें तो ये ज्ञान कथा कहते सुनते तमाम मूर्ख वासना के प्रवाह में बह करके कहाँ चले गए पता नहीं चलता। कथनी मीठी खाड़ सी, करनी विष की लोय। कथनी से करनी करे, विष अमृत होए। कथनी तो बहुत सुंदर, एकदम ज्ञान बराक सब कुछ निचोड़ करके कह दिया गया, लेकिन करनी विष के समान भयंकर क्रूर, दूसरे के दुख दर्द परेशानी कष्ट की कोई परवाह नहीं है। करनी ऐसी है और कथनी बहुत ऊंची है। तो ये साहब यहाँ कहते हैं कि आचरण के बिना कथनी केवल विष की लता बन जाती। अब विष की लता में क्या फलेगा? विष ही फलेगा। अब विष फल खा करके केवल मौत ही तो होगी। कथनी से करनी करे, विष से अमृत होए। लेकिन जैसे ज्ञान की कथा कही जा रही है वैसे ही करनी करने लग जाए तो आदमी का जीवन विष से बदल कर अमृत हो जाएगा। जिस विष से हम रात दिन परेशान हैं वो कहीं बाहर थोड़े हैं, वो तो हमारे ही दोष दुर्गुण विकार है। हर समय हमारा मन विकारों में डूबा हुआ है। लेकिन कथनी के अनुसार से करने लग जाए, जो हम जानते हैं उनका जीवन में प्रयोग करने लग जाए तो साहब कहते हैं तुम्हारा जीवन अमृत के समान हो जाएगा। कहीं बाहर से अमृत थोड़े लाना है, विष अमृत में बदल जाएगा। जैसे जहर को शोध लिया जाता है तो दवाई बन जाती है, उसी के जहर को खाओ बिना शोधे जीवन समाप्त कर देता है। जहर को शोध करके दवाई बना लिया गया तो जीवन दान कर देता है। साहब कहते हैं ऐसे ही यदि तुम कथनी का साध्य करने बना लो तो तुम्हारा जीवन विष से बदल करके अमृत हो जाएगा। शांत सुख प्रसन्नता से भरपूर कथनी बदनी छाड़ी दे, करनी सो चित लाए। नर सो जल प्याए बिना कबहू प्यास न जाए। इसलिए साहब कहते हैं कि केवल कथनी का अभिमान छोड़ दो कि हम बड़े प्रवक्ता हैं, लोगों को बहुत प्रभावित कर लेते हैं, खूब रिझा लेते हैं, बहुत लोग हमारी बात सुनने के लिए ललायित रहते हैं। यह अहंकार छोड़ दो और विनम्र बन करके करनी करने में अपने मन को लगाओ। यदि आदमी पानी न पिए तो उसकी प्यास कैसे बुझेगी? प्यास लगी है, सामने पानी रखा भी है, तो कितना भी पानी रखा हुआ हो सामने जब तक नहीं पिएंगे
तब तक प्यास बुझेगी नहीं। थोड़ा ही पानी है पी लेंगे, उतनी मात्रा में प्यास बुझ जाएगी। ऐसे कितने भी हम ज्ञान कथा करें, कितने भी ज्ञानी कथा करें, अंदर जो प्यास बुझेगी नहीं। और जितना जानते हैं, थोड़ा ही जानते हैं, उसका आचरण करने अंदर की तृष्णा इच्छा की जो प्यास बुझ जाएगी। कथने कथि फूला फिरे मेरे हिये उचार, भाव भक्ति समझे नहीं अंधा मूढ़ गंवार। सदगुरु कहते हैं कि बहुत से वक्ता उपदेशक ज्ञान की कथा कह कह करके मन में फूले फूले घूमते हैं कि मेरे हृदय से वाणी से कैसे ज्ञान की सुंदर सुंदर बातें बाहर आती हैं, कैसे लोग मेरी बातों को सुन सुन करके मुग्ध हो जाते हैं। और कोई कहता है कि आपने तो ऐसी बात कही, ऐसी सुंदर कथा सुनाई, तबीयत खुश हो गई और अहंकार पुष्ट हो गया। लोगों से सुन करके कि आप बड़े प्रवक्ता हैं और स्वयं मान करके कि हम बहुत जानकार हैं, अहंकार में फूला फूला घूम रहा है आदमी। लेकिन भाव भक्ति समझे नहीं अंधा मूढ़ गंवार, आदमी ऐसा अंधा मूढ़ और गंवार बन गया है। तीन साहब शब्द साहब प्रयोग करते हैं, जो अपनी प्रवचन शैली का, धारा प्रवाह प्रवचन का, सुंदर युक्ति प्रवृत्ति का और अनेक प्रमाणों से युक्त भाषण का अहंकार फूला फूला घूमते हैं, साहब कहते वो लोग अंधे हैं, मूढ़ हैं और गंवार हैं। इतनी तीन तीन शब्द का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि भाव भक्ति समझे नहीं, क्योंकि भाव भक्ति को, सततत्व को, कल्याण के रहनी को जरा भी समझते नहीं है। कल्याण की रहनी भाव भक्ति श्रद्धा प्रेम को समझ लें तो मूर्ता गंवारपना और अंधापना सब दूर हो जाए। कथनी थोथी जगत में करनी उत्तम सार, कहें कबीर करनी भली उतरे भौजल पार। केवल कथन करना तो थोथा है, सारहीन भूसी के समान है। और करनी ज्ञान का आचरण सार है, उत्तम है, चावल के समान है। छिलके को चाहे कितना भी पकाओ उससे तो पेट भरेगा नहीं, चावल थोड़ा ही उसको पकाओ तो पेट भरेगा, तो सार तो चावल है। ऐसे ही सार करनी है, कथनी तो केवल भूसी के समान थोथी है। कबीर साहब कहते हैं जो कथनी छोड़ करके करनी करने लग जाता है वही भवसागर से पार हो जाता है। कथनी के सूरे घने थोथे बांधे तीर, बिरह बांध जिनके लगा तिनके विकल शरीर। केवल जो कथनी के सुरवीर लोग हैं, कहने में ही अपनी बहुत बड़ाई समझते, बहुत वीरता समझते हैं, वे लोग कैसे हैं? जैसे कोई आदमी तीर बांध कर तो घूम रहा है लेकिन तीर में नोके नहीं है, बिना भाल बिना नोक के तीर है, भोथरा, तो किसको मारेगा वो? उसकी रक्षा कैसे होगी? लगता तो है कि बहुत से तीर लेकर चल रहा है और सारे के सारे तीर भोथरे हैं, शत्रु आक्रमण करेगा तो वो बच पाएगा आक्रमण से? ऐसे साहब कहते हैं केवल वक्तव्य करना, भोथरा तीर बांध करके घूमना है, उससे लाभ कुछ नहीं होने वाला है। किंतु बिरह बांध जिनके लगा, किंतु जिनको कल्याण का बिरह बांध लग गया, जिसके मन में निश्चयता हो गई कि मुझे इसी जीवन में आत्मकल्याण कर लेना है, इसी जीवन में मोक्ष का लाभ ले लेना है, तिनके विकल शरीर, उनका जो शरीर है, ऐसा कल्याणार्थी साधक का जो शरीर है व्याकुल रहता है। शरीर क्या व्याकुल रहता है? उनके मन में तड़पन रहती है कि कैसे करूं, किस व्यवहार से, किस आचरण से, किस रहनी से चलूं,
किसी जीवन में ही पूरा काम बन जाए, जीवन में पूरा मोक्ष का लाभ ले सकूं। फिर वह ज्ञान के अनुसार से अपना जीवन व्यतीत करके अपना कल्याण कर लेता है। इस साखी के मेरे साहब कहते हैं कि कल्याण का विरह होना चाहिए। विरह नहीं है तो ज्ञान की कथा कहते ही रहेंगे, करनी नहीं हो पाएगी। कुकस कूटे कन बिना, बिन करनी का ज्ञान। जो बंदूक गोली बिना, भड़क न मारे आन। आचरण का बिना ज्ञान कैसा है? जैसे कोई चावल रहित भूसी को कूट रहा हो तो उसे मिलेगा क्या? धान कूटे इसमें चावल हो अंदर, तब तो भूसी अलग होकर के चावल मिल जाएगा, उसे पेट भर फिर पकाकर खाने को मिलेगा। और चावल है ही नहीं, सार है ही नहीं, केवल भूसी को कूट रहा है तो उसे क्या मिलेगा? साहब कहते हैं कि करनी के बिना ज्ञान केवल भूसी कूटना है। जो बंदूक गोली बिना, भड़क न मारे यान। जैसे कोई आदमी, किसी आदमी के पास बंदूक है, गोली नहीं है, अब बंदूक का घोड़ा दबाता है, थोड़ी बहुत आवाज तो हो जाएगी, लेकिन बिना गोली के मारेगा किसे बंदूक से? या नकली गोली है, बंदूक का घोड़ा दबाया, आवाज गोली निकली, आवाज तो हुई फटाक से, नकली गोली मारेगी किसको? साहब कहते ऐसे ही ज्ञान, केवल ज्ञान कथन, आचरण के बिना ज्ञान कथन नकली गोली चलाना है, बिना गोली के बंदूक दागना है। आप राख पर मोधिए, सुने ज्ञान अकराथ, तुस कूटे कन बाहिरे, कछु न आवे हाथ। आप राख पर मोधिए, अपने को रख करके दूसरे को उपदेश करो, अर्थात स्वयं ज्ञान की बातों का आचरण करके अपने को स्थिर बनाकर, संतुष्ट बनाकर, निर्मल बनाकर के तब दूसरे को उपदेश करो। तब सुने ज्ञान अकरात, तुम्हारे ज्ञान को लोग सुनेंगे, उसके अनुसार से धारण करेंगे। और यदि ऐसा नहीं हुआ तब तुस कूटे कन बाहिरे, कछु न आवे हाथ। आचरण रहित ज्ञान कथन करना तो चावल रहित भूसी कूटना है, जिससे अंत में हाथ कुछ नहीं आता है। पद जोरे साखी कहे, साधन पड़ी गई रोज, काढ़ा जल पीवे नहीं, काढ़ी पीवन की होश। अक्षरों को जोड़ जोड़ करके अनेक पद बना लिए, भजन बना लिए, साखी दोहा चौपाई बना लिए, लेकिन साधन पड़ी गए रोज, साधनाभ्यास से सूखा पड़ गए, खाली लिखने में लगा हुआ है, दोहा चौपाई भजन बनाने में लगा हुआ है, समय उसी में व्यतीत हो रहा है, लेकिन साधनाभ्यास से सूखा का सूखा रह गया। लोगों की दशा ऐसी है कि सामने स्वच्छ साफ शीतल जल रखा हुआ है, उसे पीना नहीं चाहते, कुआं खोद करके पानी पीना चाहते हैं, प्यास बुझाना चाहते हैं। ज्ञान की अनेक युक्तियां शास्त्र में लिखी है, संत लोग लिख करके चले गए हैं, उनका आचरण नहीं कर रहे हैं, अपना पद बना बनाकर, भजन बना बनाकर लोगों को रिझाने का काम कर रहे हैं, तो प्यास बुझेगी कैसे? से साखी लाए बनाए के, इत अक्षर काट, कहें कबीर कबड़क जी, जूठी पत्थर चाट। तृष्णा हो गई कि हम बड़े कवि बन जाए, बड़े लेखक बन जाए,
बड़े प्रवक्ता बन जाए, तो दूसरे की साखी, दूसरे का भजन, दूसरे का पद थोड़ा उसमें लिए, थोड़ा उसमें लिए, जोड़ करके देखो हमने ये बना लिया, भजन बना लिया, हमने दोहा चौपाई लिख लिया, हमने ऐसे पुस्तक लिख लिया, तो दूसरे के कविता, दूसरे के लेख में से निकाल निकाल करके इधर उधर काट छांट करके अब अपने बनाने लग गए। साहब कहते हैं जूठा पत्तल चाट चाट करके कब तक जियोगे? उदाहरण देना पड़ता है, दूसरे का है उसे उदाहरण दिए, उदाहरण देने के यहाँ के लिए यहाँ मना ही नहीं है। लेकिन यहाँ साहब कहते हैं साधना विवेक वैराग अभ्यास का काम जो करना चाहिए वो तो कर नहीं रहे हो, खाली लोगों को रिझाने के लिए दोहा चौपाई पद भजन बनाए चक्कर में पड़ गए, तो इसे तुम्हारा लाभ क्या होगा? अपना लाभ तो तब होगा जब हम संयम साधना भजन भक्ति का काम करेंगे। अब वो काम छोड़ दिए, खाली दूसरों को रिझाने में लग गए हैं, फायदा कुछ नहीं होगा। पानी मिले ना आपको औरन बक्सत छीर, आपन मन निचल नहीं और बंधावत धीर। अपने को तो पीने को पानी भी नहीं मिल रहा है कुल्ला भर, और दूसरे को बांटता फिर रहा है दूध। अपना मन तो निश्चय नहीं है, खूब चंचल बना हुआ है, उछल रहा है बांसों, दौड़ रहा है यहाँ वहाँ विषय की तरंग में पढ़कर, और दूसरों को धीरज बंधा रहा है, कहे मन को शांत रखो, संयमित रखो, ज्ञान विवेक विचार में लगाओ। तो साहब कहते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे अपना लाभ क्या होगा? अपने मन को पहले निश्चल करना, शांत करना है। हमारा मन शांत हो गया, हमारा काम बन गया, और फिर जितने लोग इसको समझेंगे उन लोगों का काम बनता जाएगा। दूसरे के मन को कौन शांत रख कर सकता है? चतुराई चूल्हे पड़े ज्ञान कथे हुलसाए, भाव भक्ति जाने बिना ज्ञान पनो चली जाए। बिना आचरण के हुलस हुलस करके, मगन हो करके, उछल उछल करके, नाच कूद करके, अनेक प्रकार से भाव भंगिमा करके ज्ञान की कथा कह रहे हैं। साहब कहते हैं ऐसी ऐसी चतुराई चूल्हे भाड़ में जाए, इससे क्या मतलब होगा? भाव भक्ति तो जानता नहीं है, ज्ञान भक्ति का आचरण नहीं है जीवन में, तो बिना आचरण के ज्ञान बर्बाद हो जाता है, इससे कोई लाभ नहीं होता है। जब आचरण होता है तभी वो ज्ञान काम में आता है। इसी के लिए साहब आगे कहते हैं करनी को अंग। इस प्रसंग में केवल जोर दिया गया है आचरण पर। कबीर करनी आपनी कभू न निष्फल जाए, सात समुद्र आड़ा पड़े मिले अगाऊ आए। सदगुरु कबीर कहते हैं भाई अपने किए हुए कर्म कभी बेकार नहीं जाता है। जो कर्म कर लिए हो उसका फल मिलना ही मिलना है, चाहे सात समुद्र का आड़ा पड़ जाए तो भी वो कर्म आगे आकर के मिलेगा ही मिलेगा। कर लिए काम, काम करने के बाद हम भूल गए तो कर्म के संस्कार हमें भूल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तमाम प्रकार के उल्टा सीधा काम करके हम भूल गए, भूल ही जाता है, अच्छा काम भी भूल जाता है, बुरा काम भी आदमी भूल, सब कुछ याद कहाँ रहता है? कोई कोई जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वही याद रहता है, बाकी जो करता है आदमी, अच्छा किया गलत किया सब भूल गए। लेकिन हम भूल गए तो सब बेकार हो गए, नष्ट हो गए, ऐसा नहीं है। संस्कार तो पड़े हैं,
समय आने पर अपनी करनी का फल मिलेगा ही मिलेगा, चाहे हम कितने दूर चले जाएं और चाहे कितना समय बीत जाए, किए हुए कर्म नष्ट हो नहीं सकते। कबीर करनी क्या करे, जो गुरु नहीं सहाय, जी जी डारी पग धरे, सो सो नीव नीव जाए। सदगुरु कहते हैं जब तक बोधवान विवेक वैराग्य संपन्न सदगुरु सहायक के रूप में नहीं मिलते, सदगुरु संत सहायक के रूप में नहीं मिलते, तब तक अपना पुरुषार्थ भी पूरा का पूरा सफल नहीं होता है। ऐसी अवस्था में होता है क्या है कि जिस जिस डाली पर आदमी पांव रखता जाता है वही वही डाली झुक झुक जाती है। अर्थात यदि प्रेरणा देने वाले सावधान करने वाले संत नहीं मिले तो कोई भी साधना करो उसमें पूरा लाभ नहीं मिलेगा। साधना तभी सफल होती है जब किसी योग्य विवेक वैराग्य संपन्न संत सद्गुरु के मार्गदर्शन में करें, क्योंकि उसमें क्या विघ्न आना है, क्या सावधानी रखनी है हमें मालूम ही नहीं है। अपने ओर से हम करते चले जा रहे हैं, अपने ओर से करते चले गए और फिर अहंकार हो गया कि हम इतने बैरागी हैं, हम ऐसे त्यागी हैं, हम ऐसे साधना संपन्न हैं, और उसमें भूल गए। सदगुरु संत बताते हैं कि साधना कैसे करना चाहिए। तो साधना पूरी सफल तब होती है जब किसी विवेक वैराग्यवान साधना संपन्न सदगुरु संत के निर्देश में किया जाए। अब यही क्या है, कोई भी चीज़ है, विद्या पढ़ना है, संगीत सीखना है, कोई कला सीखनी है, तो कोई एक मात्र निर्देशक के निर्देशन में सीखो तो उसमें प्रगति सही ढंग से होती है। नहीं तो हम गलत को सही मान लेते हैं, सही को गलत मान लेते हैं। कबीर करनी क्या करें, करनी बिन कथनी कथे, गुरुपद लहे न सोए, बातों के पकवान से धीरा नाही होए। साहब कहते हैं कि आचरण के बिना यदि कोई कथनी कर रहा है तो गुरुपद वो प्राप्त नहीं कर सकता। गुरुपद आत्मस्थिति, आत्मसंतोष। एक गुरुपद होता है व्यवहार चलाने के लिए किसी को गुरु बना दिया गया तो व्यवहार है, वो असली गुरुपद नहीं है, नकली है। असली गुरुपद जहाँ जाकर के दीनता लघुता सब समाप्त, पूरी कृतार्थता आ जाती है, वह गुरुपद है आत्मस्थिति, स्वरूप स्थिति, पूर्ण निष्काम दशा। साहब कहते हैं बिना करनी के केवल कथन करने से वो दशा नहीं आने वाली है। कथनी मात्र से कितना भी हम जान लें, कितना कर लें, वो दशा नहीं आएगी, करनी से दशा आएगी। कोई पकवान बनाने की मेहनत ना करें, पकवान ना बनाए, और बातों के पकवान, बातों से ही केवल भोजन का वर्णन करता रहे, तो बातों के भोजन वर्णन करने से किसी की भूख थोड़े दूर होगी, पेट थोड़े भरेगा। भोजन का वर्णन ना करके भोजन बना करके खाए तो उसे पेट भर जाएगा, वर्णन करते रहने से तो कभी भरना ही नहीं है। साहब कहते ऐसे ही केवल कोई कथन करता रहे तो तृप्ति नहीं मिलेगी। कथन छोड़ करके आचरण करे, साधना करे, तब गुरुपद की प्राप्ति होगी। करनी बिन कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात,
कुकर सम भूकत फिरे, सुनी सुनाई बात। सदगुरु कहते हैं कि कोई करनी के बिना, आचरण साधना के बिना कथनी करता रहता है, तो साहब ऐसे ही है जैसे कुत्ता दिन रात भूकता रहता है, ऐसे ही अज्ञानी लोग सुनी सुनाई बातों को दिन रात कुत्ते के समान भूकते रहते हैं। हम लोगों के लिए एक बड़ी लंबी मार है यदि हमारी भीतर संवेदना हो तब, नहीं तो हम पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, कह देते हैं, कह ठीक है लिखा है, बस रह जाते हैं जहां के तहां। करनी का रजमा नहीं, कथनी मेरु समान, कथता बक्ता मर गया, मूरख मूढ़ अजान। करनी आचरण साधना धूल बराबर भी नहीं है, और कथनी सुमेरु पर्वत के बराबर है। सदगुरु कहते हैं ऐसे कथनी करने वाले ले सुनने वाले मूरख और मूर्ख कहते बकते मरकर चले गए, अपना कोई काम कर नहीं सके। करनी गर्व निवारणी मुक्ति स्वार्थी सोए, कथनी तजी करनी करे तब मुक्ताहल होए। यदि मुक्ति का स्वार्थ हो, स्वार्थ हर आदमी का है, लेकिन लोगों का स्वार्थ ज्यादातर इंद्रिय भोगों के लिए, खाने पीने देखने सुनने जो भी है भोग इंद्रियों के, उसमें पद प्रतिष्ठा गुरुआई महंती शासन सत्ता अधिकार रुपया पैसा सब आ जाता है, तो संसार में तो हर कोई स्वार्थी है, अपने अपने स्वार्थ के लिए सब रात दिन लगे हुए हैं। लेकिन यहां साहब कहते हैं वो जो स्वार्थ तुम्हारी दुनिया का स्वार्थ है वो असली स्वार्थ नहीं है, असली स्वार्थ तो है मुक्ति का स्वार्थ। यदि मुक्ति का स्वार्थ हो, एक उद्देश्य हो कि मुझे जीवन में मुक्ति प्राप्त करना है, सब तरफ से अपने आप को बंधनों से छुड़ा लेना है, मुक्ति का स्वार्थ रखो, और असली स्वार्थ वही स्वार्थ अपना प्रयोजन। अपना प्रयोजन क्या है? दुख से छुटकारा, जीवन में किसी प्रकार कोई दुख न रह जाए, यही तो असली स्वार्थ है। तो मुक्त यदि कोई मुक्ति का स्वार्थी है और मुक्ति के लिए काम कर रहा है तो करनी गर्व निवारणी, उसकी करनी उसका आचरण सारे प्रकार के गर्व को दूर करने वाला हो जाता है। अब मुक्ति का स्वार्थ नहीं है तब जो कुछ आदमी थोड़ा बहुत संयम सदाचार साधना करता है वो अहंकार को बढ़ाने वाला हो जाता है। हम इतने बड़े त्यागी, हम इतने बड़े बैरागी, अरे त्याग बैराग कर रहे हो तो दूसरे पर रोप गांठने की क्या जरूरत है? साधु बन गए, किसी ने कहा था आपको साधु बनने के लिए? साधु बन गए तो किस पर क्या उपकार कर रहे हैं? हमारी गरज थी न तो माता पिता कह रहे थे बेटा खाने पीने को नहीं घर में, तुम रहोगे तो हम लोग कैसे तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम साधु बन जाते अच्छा होता। किसी के माता पिता ने कहा था कैसे कि जहां हम लोग रहते, जहां हम लोग पैदा हुए थे, हमारे गाँव वालों ने कहा था भैया तुम साधु बन जाओ, यहाँ तुम गांव में रहोगे तो बड़ा खटपट हो जाएगा, गाँव वाले ने भी तो नहीं कहा था। हमारी गरज थी, हमें हुआ कि नहीं सदगुरु की शरण में जाकर के हमें अपने कल्याण का काम करना है, तो अपनी गरज से हम इस साधु मार्ग में आए हैं, और साधु मार्ग में आकर के अहंकार कर लिए हम बड़े त्यागी, हम बड़े बैरागी, हम दूसरों से बड़े। क्यों?
वो जो मुक्ति का स्वार्थ था उसे हम भूल गए। जिस लक्ष्य जिस उद्देश्य से वो लेकर के सदगुरु संत के शरण में आए थे वो उद्देश्य ही भूल गया। साधु का कपड़ा पहन लिए, अपने को बड़ा मान लिए। सदगुरु कहते हैं यदि तुम्हारा मुक्ति का स्वार्थ हो, एक उद्देश्य, जीवन का एक लक्ष्य, जिस किसी प्रकार से मुझे मुक्ति प्राप्त करना है, तो जो तुम जो कुछ करोगे उसका परिणाम होगा सारे अहंकारों का विसर्जन। अब मुक्ति का स्वार्थ नहीं है, मुक्ति को हम भूल गए जीवन को, तो फिर हम जो कुछ करेंगे उसका परिणाम होगा अहंकार की वृद्धि, क्योंकि फिर दिखावा में हम पड़ जाएंगे। तो करनी गर्व निवारिणी मुक्ति स्वार्थी सोए। मुक्ति का स्वार्थ यदि है तो करनी आचरण गर्व को निवार गर्व को दूर करने वाला होगा। कथनी तजी करनी करे तब मुक्ता होए। कथनी को छोड़ करके जब करनी करने लग जाता है आदमी, आचरण में उतारने लग जाता है, तब मुक्ता हल, तब उस मुक्ता हल उस मोक्ष की प्राप्ति होती है। केवल कथनी करने मात्र से मोक्ष नहीं मिलेगा। हम कितना भी कह रहे हैं मुक्ति ऐसी है मुक्ति वैसी है, व्याख्या करने से मुक्ति थोड़े मिलेगी। साहब कहते हैं व्याख्या करना बंद करो, ज्ञान का आचरण करो, तब मुक्ति की प्राप्ति होगी। और वही मुक्ति जीव का असली स्वार्थ है।